कराची में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। सियासी जमातों, सहाफी और मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी रहा। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी और आजादी सहाफत पर हमले के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची में सहाफती तंजीमों और जंग और जियो की CBS की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में मीडिया वर्कर्स, ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एसोसिएशन ऑफ कैमरा जर्नलिस्ट, जंग एम्प्लॉयज यूनियन, जावेद प्रेस एम्प्लॉयज यूनियन, द न्यूज एम्प्लॉयज यूनियन और एपनेक के नुमाइंदों ने शिरकत की। एहतजाज में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी ने भी शिरकत की और कहा कि नैब के हाथों मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी पर लातादाद सवालिया निशान है। मजदूर और सहाफती तंजीमों के अहदेदारान ने कहा कि मीडिया वर्कर्स बैक वक्त मुआशी और आजादी सहाफत की जंग लड़ रहे हैं। सब कह रहे हैं, मैं भी ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि सुमोटो एक्शन ले। जंग और जियो ने हमेशा सच और हक कहा और दिखाया और लिखा है। सियासी जमातों और सहाफती तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का सो मोटो नोटिस लेने का मुतालबा किया है।